उन लोगों का सामना कैसे करें जो तुमसे तमीज से बात नहीं करते, बदतमीज से बात करते हैं, फालतू की लड़ाई लेते हैं तुमसे, या फिर लड़ाई करना चाहते हैं, फिर तुम्हें पसंद नहीं करते। सिंपल सी बात हो, तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं करते, तुम्हारी पर्सनैलिटी पसंद नहीं करते, या फिर तुम उनके लिए पंचिंग बैग हो, उनकी ज़िंदगी खुद के लगे हुए हैं, या फिर वो बाय नेचर ही बुली हैं, बाय नेचर ही एक ऐसी डोमिनेंट पर्सनैलिटी जिसने लोगों को दबाना ही सीखा, वो बड़े होकर वो दबा रहा लोगों को, और तुम मिल गए उसको, उसको लगता है मैं इसको आसानी से दबा सकता हूं, तो तुमको भी बैठ के दबा रहे हैं। ऐसे इंसान के साथ क्या करें, कैसे डील करें ये सिचुएशन का? हो सकता है रिस्पॉन्स आपको मिलता हो, अपने दिमाग में आप सिनेरियो सोचते हो कि बहनचोद को ऐसे बोलना है मेरे से, साले को मैं दिमाग में अपने ऐसे पीट रहा हूँ, खड़ा हो जा रहा हूँ, उसकी गांड मार ली मैंने, ऐसा रिस्पॉन्स दिया उसको। अब ये चीज़ें आपके दिमाग में कर रही हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। रियलिटी में आप फेमिलियर उस सिनेरियो से हो जिसमें वो जो पहला सिनेरियो, आप जाते हो, मिलते हो, आपके इंसान आपसे बदतमीजी से बातें कर रहा है, आपकी कोई इज्जत नहीं है, और वापस आपकी बेइज्जती कर रहा है। ये दो सिनेरियो उसके बाद के जो हैं, जो स्टेजेस हैं, वो इसलिए अकर नहीं कर पाते क्योंकि आपके अंदर एक डर है, आपके अंदर डर है कि आपकी कुटाई हो जाएगी। आपको लगता है अरे यार घूंसा चल गया तो क्या होगा, मेरे मुंह पे घूंसा लग जाएगा, अरे मुझे चोट लग जाएगी, मुझे मार सकता है, मैं मर सकता हूँ। फिर आप अपने दिमाग में बड़े वल्नरेबल सिनेरियो सोच रहे हो कि मैं गिर गया, मेरा सर जमीन पर पटक रहा है, मेरे को ऐसे चोट लग जाएगी, मैं हॉस्पिटल चला जाऊंगा, अरे मैं तो कर ही नहीं सकता। वो डर बढ़ता चला गया जितना आपने दिमाग में उस चीज़ को, और आपने एकदम यू नो ड्रामेटिक बना लिया, ट्रैजिक बना लिया कि मुझे चोटें लग गई हैं, मैं ठुक गया, फिर बेइज्जती होगी, मैं लड़ नहीं पाऊंगा, फिर मैं और दिन कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो सच है सह लेते हैं। ये डर नाजायज डर नहीं है, समझ रहे हो? आपका अगर कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्रंटेशन या फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट से सिंपल डर लगता है आपको, तो वो नाजायज डर नहीं है, अंडरस्टैंडेबल डर है, रैशनल फियर है ये, क्योंकि हो सकता है चांसेस हैं आपकी लड़ाई हो जाए इसमें, अगर आप पलट के जवाब, तो हो सकता है वो आपसे गिनती में ज्यादा हो। तो आपको यहां पे समझना है, पहली चीज, आपकी प्रॉब्लम वो तीन लोग नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है आपके अंदर एक डर है, उसको रिकॉग्नाइज करो, वो है क्या, उसका नेचर क्या है। जिंदगी में किसी भी चीज को सॉल्व करनी है तो याद रखना अपनी सराउंडिंग में तो आप सेफ नहीं, उसको वो नहीं कर सकते। अगर आप ये सिंपल सी बात, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप कहोगे मुझे सफाई करनी है, ना मेरी पूरी कॉलोनी जो है वो मैं चाहता हूं साफ हो, दोस्त तुम नहीं कर सकते, तुम पूरी कॉलोनी रोज सुबह से उठ के शाम तक बैठ के साफ ही करते रहोगे, मर जाओगे, कुछ नहीं होगा साफ। साफ होने के लिए कॉलोनी को, उस कॉलोनी में जो भी इंसान रह रहा है उसको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि मुझे कॉलोनी साफ करनी है। तुम सिर्फ अपने आप को साफ कर सकते हो, तुम्हारी जितनी भी क्षमता है प्रॉब्लम सॉल्व करने की वो तुम्हारे अंदर है, और जो तुम्हारी कैपेसिटी है वो भी तुम्हारे दो हाथ दो पैर और तुम्हारी जितनी कैपेसिटी बनती है, तुम्हारी जितनी लिमिटेशन है उसके साथ खत्म हो जाती है, सत्य ये है। अब तुम्हें देखना है तुम अपने अंदर इसको कैसे फिक्स कर सकते हो। तो अगर डर है कॉन्फ्लिक्ट का, फियर है कि तुम्हें घूंसा पड़ेगा, फियर है कि तुम्हें लाते नहीं खाई अपनी लाइफ में, तो सिंपल सी बात है दोस्त, अगर फिजिकल फियर है तो उसको फिजिकल रिफॉर्मेशन या रिस्ट्रक्चरिंग या रिस्ट्रेंथनिंग से सोल्यूशन आएगा। शीशे में जो आपको देखते हो, आपको क्लियरली अपनी जो इमेज है वो फिजिकली, आप अपने आप को देखते हो, आपको लगता है कि मैं दब सकता हूं, मुझे कोई भी दबा देगा, मैं दबने काबिल हूं। यह हुआ इसलिए है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में कभी भी फेमिलियर ही नहीं हुए उस एनवायरमेंट से, उस हार्श रियलिटी से, उन हार्श कंडीशन से जिनमें वायलेंस एक प्रॉपर्टी थी। आपको पता ही नहीं है वो होता क्या है, तो आप जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं है वो चीज आपने मूवी में देखी, आपको क्लियरली लगता है बहुत डरावनी चीज है। आपको सिंपल क्या करना है, अगर आपको जेन्युइनली सोल्यूशन चाहिए तो आपको सिंपल एक जिम जाना पड़ेगा, कोई किक बॉक्सिंग या कोई मार्शल आर्ट या कुछ चीज वो करो, ज्वाइन करो, कल से ही ज्वाइन कर लो, सोचो मत, एक घंटा भाई घूंसा मारना सीखो एक पंचिंग बैग पे, एक टेक्निक से। पॉइंट यहां पे ये नहीं कि आप लड़ाकू बन गए, पॉइंट यह है कि आपको फेमिलियर होना वो एनवायरनमेंट होता क्या है। जब आपकी स्पारिंग मैचेस होंगे, अगर आप सिंपल किक बॉक्सिंग या किसी भी तरह की मार्शल आर्ट स्कूल ज्वाइन करते हो, और जो कि बहुत ही जरूरी चीज है सेल्फ डिफेंस, अगर आप करते हो, आप चीज देखोगे जब आप एक स्पारिंग में जाओगे, जो पहला जो स्पारिंग सेशन होगा और तुम्हारा जो 10th, 10वां स्पारिंग सेशन जो होगा, उसमें तुम्हारा पूरा नजरिया बदल चुका होगा वायलेंस का। तुम्हें उन घूंसों से डर नहीं लगेगा, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लात चोट क्या होती है, पेन क्या होता है, मुझे वहां लगेगा, यहां लगेगा, ऐसा हो गया, क्योंकि तुम वाकिफ हो गए उन 10 स्पारिंग मैचेस में। तुम्हारा दिमाग नॉर्मलाइज कर देता है उसको, कोई भी एक्टिविटी को जब तुम बार बार करते हो तुम उससे वाकिफ हो चुके होते हो, तुम्हें वो करना सीख जाते हो, तुम उसकी फिजिक्स समझ जाते हो, तुम उसकी पूरे लॉ समझ चुके होते हो, वो चीज़ है क्या, कैसे होती है, क्या फील होता है, इमोशनली क्या फील होता है, कितना मजा आता है। एक महीने बाद जब अपने आप को तुम शीशे में देखोगे, तुम अगर स्पारिंग सेशंस कर चुके हो, तुम बेटर हो रहे हो, तुम्हें अगर दिख रहा है कि मेरे अंदर हल्का सा बदलाव आ रहा है, मैं लड़ सकता हूं, मैं डरने की बात नहीं है, जब लड़ना जान जाओगे तो वो डर जो लड़ाई से निकलता था, बर्थ उस डर का था कि तुम्हारी लड़ाई होगी, और तुम एक महीने से अगर तुम लड़ाई करना सीख रहे हो, तो उस डर से तुम एक तरह से लड़ रहे हो ना, तुमने उसको सॉल्व कर दिया।
फिजिकल फियर का सोल्यूशन है फिजिकल रिफॉर्मेशन। सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, कोई दस मानसिक वाली बात नहीं कि अपने दिमाग को ट्रेन करो, उन लोगों को छोड़ो, कुछ मत सोचो, क्या चीज है जो डराती है उसका सामना करो, अपने आप को बिल्ड कर दो, वाकिफ हो जाओ उससे, फिर तुम्हें पता है अब इससे डरने वाली बात नहीं। 3 महीने बाद हो सकता है तो मैंने इतना बहुत सारे तुम कह दो, क्योंकि तुम्हें अब उस डर गायब हो चुका है कन्फ्रंटेशन या कॉन्फ्लिक्ट का। तो वो इंसान अगर बकवास कर रहा है तो तुम पलट के 4 जवाब दे दो, तुम्हारी फटती नहीं अब, तुमको हाँ भाई ये ले ले 4 तू उधर से ले ले मेरे इधर, उसकी फट जाएगी, आएगा चढ़ के कहूँ कहाँ पे आ जा भाई। सिंपल, वो इंसान को दिखेगा रहा तो डर नहीं रहा, वो तुम्हारी लिस्ट से नाम कैंसिल कर देगा कि इसकी मैं लूंगा, फिर वो तुम्हारे जो 4 लोग ले रहा था उसमें से अब 3 ही बचे उसकी लिस्ट में, वो उनकी लेगा बैठ के। दुनिया ऐसे ही वर्क करती है, कोई लड़ाई नहीं करना चाहता, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहता। अगर तुम ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे पॉलिटिकली पावर है, कोई ऐसा इंसान जो कि नेता है, इधर उधर फलाना ढिमका भैंचो, जिससे तुम पता है तुम चाहे कितना फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो लेकिन लड़ नहीं पाओगे, तो मैं कहूँगा फर्स्ट स्टेप तो जरूर करो, अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्गर करो। अगर फिजिकल फियर है तो एटलीस्ट तुम्हारे माइंड में जो फियर है इस तरह का किसी भी तरह के ऐसे इंसान से, तुमने उसको तो सॉल्व कर दिया, बट पर्टिकुलर रैशनल फियर कि भाई ये ऐसी पॉलिटिकल पावर है, ये वो है, भैया ये गुंडे ही हैं जिनसे लड़ाई करके मुझे कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनका दिन से रात तक काम ही लड़ाई करना है, उससे भैया तुम उठाओ लेफ्ट लेके कट लो, इनसे मुंह लगना ही पॉइंट नहीं है, क्योंकि भाई उनका तो दिन का रात का उठना ही काम है, लड़ाई करना, गोलियां चलाना या कुछ भी हाथ पैर चलाना, घूंसाबंदी करना, अपने आपको बैठ के मर्द बताना 24 घंटे, अपने आपको प्रूव करना कि मैं मर्द हूं, जिसका काम यही है, जॉब ही पूरे दिन यही है, तो वो उससे आप लड़ रहे हो अगर, तो आप अपनी जॉब बना रहे हो जो उसकी जॉब है, वो पॉइंटलेस एक्टिविटी है। लेकिन फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट का सलूशन ये है, ठीक है दोस्त? अगर कोई भी प्रॉब्लम है दोस्त, इंस्टाग्राम पे जाओ @mansutra, @mansutra, और कोई मेरा पेज नहीं है, @mansutra पे ही मिलूंगा मैं आपको, जाओ अपनी प्रॉब्लम लिखो दोस्त, मैं सोल्यूशन बनाऊंगा। बाकी काम करते रहो डेली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है काम करना डेली, अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। फिजिकल अगर फियर है तो फिजिकल ग्रोथ पे फोकस करो, अगर एग्जाम से फियर पे ग्रोथ है तो उस धर फोकस करो, धर के भी मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ बहुत सारे, ठीक है दोस्त? चल भाई।